नमस्कार दोस्तों, आईटीआई मेडी जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने वायर से संबंधित थ्योरी को कवर किया था। इस वीडियो में हम वायर से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टी चॉइस क्वेश्चन है वो लेकर आए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह कौन सी धातु है जो चालक के रूप में सबसे अधिक उपयोग होती है? स्टील का तार, तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार, जीआई का तार। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि तांबे का तार का उपयोग हम वायरिंग में सबसे ज़्यादा करते हैं। तो दिए गए प्रश्न का आंसर है सेकंड, तांबे का तार। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता है 60%, 60.2%, 60.4%, 60.6%। तो दोस्तों, दिए गए प्रश्न का आंसर है फोर्थ, 60.6%। तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता 60.6% है। निम्न में से कौन सा चालक बल्ब में प्रयोग होता है? टंगस्टन, कार्बन, कॉपर, नाइक्रोम। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो बल्ब में टंगस्टन का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। तो दिए गए प्रश्न का आंसर है फर्स्ट, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। विद्युत कार्य में प्रयुक्त कॉपर की शुद्धता की डिग्री बहुत उच्च या रिक्त स्थान होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारा विद्युत कार्यों में जो कॉपर है उसकी शुद्धता हमारी 99.9% होनी चाहिए। तो दिए गए प्रश्न का आंसर है फोर्थ। विद्युत कार्यों में प्रयुक्त कॉपर की शुद्धता की डिग्री बहुत उच्च या 99.9% होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युतीय चालक पदार्थ नहीं है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या कांच। तो दोस्तों, जो हमारा कांच होता है वह विद्युत का चालक नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का आंसर है फोर्थ, कांच। क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं। वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, चांदी, पीवीसी, माइका, रबड़। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है या चालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत होती है। तो दिए गए चार ऑप्शन में हमारा चांदी एक चालक है। तो दिए गए प्रश्न का हमारा आंसर है फर्स्ट, चांदी। क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग स्प्लिट रिंग बनाने होता है? दोस्तों, हम जानते हैं कि जो स्प्लिट रिंग होती है उसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो सामान्यतः जो स्प्लिट रिंग होती है वो कॉपर की बनाई जाती है। तो दिए गए प्रश्न का आंसर है कॉपर, कॉपर के उपयोग हम स्प्लिट रिंग बनाने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं। फील्ड कॉइल किसको लपेट कर बनाया जाता है? ऑप्शन है रोट आयरन की तार से, स्टील की तार से, नंगे तांबे की तार से या इनामेल तांबे की तार से। तो दोस्तों, जो फील्ड कॉइल है वह हम इंसुलेटेड तार को लपेट कर एक कॉइल की तरह बनाते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ, इनामेल तांबे की तार से। फील्ड कॉइल इनामेल तांबे की तार को लपेट कर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर टेन पे चलते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज SWG किस आकार की माप कर सकता है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि SWG से हम 0 से लेकर 36 गेज के तार तक की व्यास को ज्ञात कर सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शन का आंसर है फोर्थ, 0 से 36। क्वेश्चन नंबर इलेवन। निम्न में से अर्थिंग के लिए सस्ता विकल्प है, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम या जीआई तार। तो दोस्तों, जो जीआई तार रहता है उसकी कॉस्ट सबसे कम होती है, वो अर्थिंग में हम उसको सामान्यतः तो उपयोग करते हैं। तो दिए गए हमारा ऑप्शन का आंसर है जीआई यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन तार। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे चलते हैं। SWG 36 किसके समान होता है? दोस्तों, दिए गए प्रश्न का हमारा राइट आंसर है फोर्थ, 0.0076 इंच का व्यास या 0.19 mm का व्यास। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। चालक के आकार की माप करने के लिए जब किसी नंगे चालक को SWG के खांचे में रखा जाता है, तो इसमें ऑप्शन है हमारा खांचे में कसा होना चाहिए, खांचे में ढीला होना चाहिए, खांचे में ना तो ढीला ना कसा होना चाहिए, या ऑप्शन फोर, या तो ढीला या कसा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम किसी तार का SWG की सहायता से व्यास नापते हैं, तो जो जिस खांचे में हमारा तार आसानी से बैठ जाता है, जिसमें ना तो वह ज़्यादा ढीला रहता है ना ज़्यादा टाइट रहता है, वही उसका SWG नंबर कहलाता है। तो दिए गए प्रश्न का आंसर है हमारा थर्ड। चालक के आकार की माप करने के लिए जब किसी नंगे चालक को SWG खांचे में रखा जाता है, तो इसमें यह ना तो खांचे में ढीला होना चाहिए, नहीं
ज़्यादा कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, हैवी ड्यूटी पीवीसी इंसुलेटर पावर केबल का वोल्टेज ग्रेड क्या है। दोस्तों जो हमारे हैवी ड्यूटी पीवीसी इंसुलेटर पावर केबल है उसका वोल्टेज ग्रेड 650 या 1100 वोल्ट तक रहता है। तो दिए गए प्रश्न का हमारा राइट आंसर है सेकंड, 650 वोल्ट या 1100 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, PILC सिंगल कोर केबल का विस्तार रूप क्या है। PILC मतलब कि हमारा पेपर इंसुलेटेड लेड कवर। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फर्स्ट, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर। क्वेश्चन नंबर 17, ठोस चालक की तुलना में स्टैंडर्ड चालक के क्या गुण हैं। अधिक लचीला, अधिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, अधिक प्रतिरोध, अधिक भार। तो दोस्तों जो वहाँ स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है उससे हम फ्लेक्सिबल वायर बनाते हैं, मतलब कि उसमें लचीलापन अधिक होता है। तो दिए गए प्रश्न का हमारा आंसर है फर्स्ट, अधिक लचीला। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, यूरे का वायर का उपयोग क्या है। रियोस्टेट में, हीटिंग एलिमेंट में, अर्थ वायर में, वाइंडिंग वायर में। दोस्तों जो हमारा यूरे का वायर होता है उसका उपयोग हम रियोस्टेट में करते हैं। तो दिए गए प्रश्न का हमारा राइट आंसर है रियोस्टेट में फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्यतः SWG से तारों की आकार की माप को नापते हैं। तार के आकार को परिशुद्धता से नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करना आवश्यक है। दोस्तों हम सामान्यतः अगर मोटा मोटी हम तार का व्यास जानना चाहते हैं तो हम SWG का उपयोग करते हैं, लेकिन यदि हमें एग्जैक्ट उसका व्यास ज्ञात करना है तो हमें माइक्रोमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। तो दिए गए प्रश्न का हमारा राइट आंसर है फोर्थ, माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्यतः धातु बिजली के सुचालक होते हैं। चालकता के पदों में सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चांदी सबसे अच्छा सुचालक रहता है। तो देखिए प्रश्न का राइट आंसर है थर्ड, चांदी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, आवश्यक धारा प्रवाह क्षमता के लिए हम पाते कि एल्यूमिनियम चालक में तांबे की तुलना में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा है, इसका कारण क्या है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो एल्युमिनियम का प्रतिरोध है वो तांबे से अधिक होता है, इसलिए समान करंट के लिए हमें एल्युमिनियम की कंडक्टर का व्यास अधिक चाहिए। तो दिए गए प्रश्न का हमारा राइट आंसर है सेकंड, आवश्यक धारा प्रवाह क्षमता के लिए हम पाते हैं कि एल्युमिनियम चालक में तांबे की तुलना में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा है, इसका कारण यह है कि एल्युमिनियम की प्रतियोगिता तांबे से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 22, एक तंतु में यानी स्टैंडर्ड चालक का विशेष विवरण 7/1.40 है। उपयुक्त विवरण में हर यानी कि डिनोमिनेटर क्या इंडिकेट करता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो कोई सा भी स्टैंडर्ड वायर रहता है उसमें जो उसका न्यूमरेटर होता है वह उस वायर में स्टैंडर्ड कंडक्टर की संख्या को बतलाता है, जबकि डिनोमिनेटर होता है वह प्रत्येक स्टैंडर्ड कंडक्टर के डायग को बताता है। तो यहाँ पे हमारा डिनोमीटर पूछा है वो किसको इंडिकेट करता है, वह चालक के व्यास को बताता है मिमी में। तो दिए गए हमारे प्रश्न का राइट आंसर है फर्स्ट, चालक का मिमी में व्यास बतलाता है। दोस्तों यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अपने वैल्यूबल कमेंट कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।